दोस्तों क्लास 10th और क्लास 12th के वे बच्चे जो इस बार बोर्ड दे रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं ये दैनिक जागरण में छपा हुआ है जो कि मार्च 31 को छपा है 2020 को, यानी आज ही के दिन पे यह आर्टिकल छपा है जिसमें आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर देखिए हेडलाइन दिया गया है कि CBSE एंड स्टेट बोर्ड एग्जाम्स 2020 लाइकली टू बी कंडक्टेड बाई अप्रैल एंड और मिड में सेज ऑफिशियल्स, यानी कि ऑफिशियल की तरफ से एक नोटिफिकेशन उन लोगों को ज़रूर मिला है जहाँ पर कि खबर आई है कि अप्रैल के लास्ट तक में आप लोगों का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा या फिर मिड मई तक सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएंगे। और वैसे बच्चे जिनका एग्जामिनेशन हो गया है उनके लिए आइए देखते हैं कि रिजल्ट के बारे में कौन सी अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हुए सारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज लाइकली टू कंडक्ट द रिमेनिंग क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन बाई द एंड ऑफ अप्रैल 2020। यहाँ पर लिखा गया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन आप लोगों के जो छूटे हुए हैं वो अप्रैल 20 के लास्ट तक में पूरे कंडक्ट होने की चांसेस है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल सोर्सेज द CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद द अदर स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशन विच वेयर पोस्टपोन्ड ड्यू टू द COVID-19 स्प्रेड इन द कंट्री इज लाइकली टू बी कम्प्लीटेड बाई मई 2020। यानी कि ऐसे कंडीशन में अगर एग्जामिनेशन नहीं भी हो पाते हैं तो आप लोगों का मई 2020 तक में कंडक्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है और हो सके तो आप लोगों का मई से पहले ही सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर और भी अपडेट निकल के आया जहाँ पर लिखा गया है सीनियर MHRD ऑफिशियल शेयर्ड विद द मीडिया डैट द CBSE एंड NIOS बोर्ड एग्जामिनेशन आर लाइकली टू बी कंडक्टेड बिटवीन अप्रैल एंड टू मई 2020। द ऑफिशियल्स हैव फर्दर स्टेटेड दैट अ डिसीजन ऑन द हाउएवर विल बी टेकन बाय द रेस्पेक्टिव बोर्ड्स आफ्टर एनालाइजिंग द सिचुएशन आफ्टर 14th। यानी कि अप्रैल 14 तक जो लॉकडाउन आया है उस लॉकडाउन के बाद फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा, लेकिन जो ऑफिशियल लोग बात कर रहे हैं उसमें हो रहा है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाए और रिजल्ट भी पब्लिश हो जाए ताकि आप लोगों का आने वाला सेशन में कोई परेशानी नहीं हो। दोस्तों यहाँ पे जानने वाली बात यह भी है कि मार्च 31 तारीख तक CBSE को बता देना था कि आने वाले शेड्यूल में कौन से एग्ज़ाम कब कब होने वाले हैं। ऐसे में CBSE अभी तक कोई भी शेड्यूल रिलीज़ नहीं किया है और यहाँ पर कब तक होगा अभी कोई गारंटी नहीं है। जैसे ही शेड्यूल मिलेगा सबसे पहले आपको इस चैनल पे अपडेट हो जाएगा, तो बिल्कुल इस चैनल से अपडेटेड रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और साथ ही साथ जो बच्चे क्लास 12th के एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए भी है कि जो नीट है और JEE मेंस का एग्जामिनेशन वो भी फर्दर नोटिस तक के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और जो रिज़ल्ट है उसके बारे में लिखा गया है कि हो सकता है तो अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट अप्रैल तक में हो जाता है तो आप लोगों का जून तक में पूरा 100% चांस है कि रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।